तो आज बेसन गट्टे की सब्जी बन रही है। हेलो, राम राम, वेलकम टू आवर चैनल सीमाज किचन। बेसन ले लिया, घी, नमक और लाल मिर्च, हल्दी। घी की जगह तेल डाल सकते हैं और अजवाइन। तेल, नमक, अजवाइन, लाल मिर्च और हल्दी, ये मैंने डाला है बेसन में। इस मोइन को अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद अब पानी डाल के इसे गूंथ देंगे। आटे की लोई जैसे डो बनाते हैं वैसे बना के इसको लंबा लंबा ऐसे पतला पतला बना के रोल कर लेंगे। रोल करके पानी रख देंगे भगोने में, गर्म हो रहा है। जब उबलने लगा अब इसी में उसको बेसन के जो हमने रोल बनाए हैं इसमें डाल देंगे। देखिए ये जब उबल जाएगा अच्छे से ढक दे रहे हैं। दूसरी तरफ हम मसाला तैयार कर लेते हैं। इसमें अदरक, लहसुन, मिर्च, प्याज, बस यही है मेन सिंपल मसाले। इसे पीस लेंगे। अब जो मसाला पीसा था उसको मैंने छोंक दिया। अब ये जिस जार में मसाला पीसा था उसी में सीधा हम दही का मसाला तैयार कर लेते हैं। जिसमें दही डालने के बाद उसमें अब हम थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, हाफ स्पून। हल्दी डाल के इसके बाद इसमें लाल मिर्च थोड़ा सा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ी धनिया। मसाले आप कम ज़्यादा जो आप अपना टेस्ट हो वैसे डालें। डाल के इसको थोड़ा चर्न कर लेंगे। चर्न करके इसके बाद जो हम मसाला भुने हैं इसी में जो हमने दही में मसाले मिलाए हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, उसको सीधा है उसको दही वाले मसाले को इसमें डाल देंगे। ये उबलने लग गया है, इसको ढक के थोड़ी देर पका लेंगे जिससे मसाले अच्छे से पक जाएं। अब देखते हैं बेसन के रोल हो चुके हैं कि नहीं गट्टे। उन गट्टों को निकाल के आप चाहें तो, आपके लिए मैं फ्राई कर रही हूँ दिखाने के लिए, नहीं तो बिना फ्राई किए ही इस तरह से काट के डाल सकते हैं। तो यदि आप और ज़्यादा रिच बनाना चाहते हैं तो इस तरह मसाला थोड़ा सा ज़्यादा बनाया है, थोड़ा निकाल लेंगे। अब ये डाल दिया उसमें जो नीचे पानी बचा था जिसमें गट्टे उबले थे। अब गट्टों को उधर मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है, उसको भी आपने देख लिया, या उसको ऐसे ही काट के, क्योंकि उबला हुआ पका हुआ है वो, वैसे भी आप डाल सकते हैं इस ग्रेवी में। ये देखिए मैंने थोड़ा सा फ्राई कर दिया है, आधा ये ग्रेवी में डाल दिया।
अब इसकी फ्लेम सिम करके कम करके इसको थोड़ी देर पकने दें। उसके बाद धनिया पत्ती गरम मसाले से सजाएं और इंजॉय करें।